दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। चलो तो हेडिंग डालो सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेनली हम लोग लिक्विड स्टेट के बारे में इसमें डिटेल में करेंगे। क्लास 11th में तुम लोग एक चैप्टर पढ़े होगे गैसियस स्टेट, ठीक है? वहां पे हम लोग गैसियस फेस के बारे में डिटेल में पढ़े थे। फिर क्लास 12th में एक चैप्टर तुम लोग का सॉलिड स्टेट चल रहा होगा, वहां पे सॉलिड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। और ये जो चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशंस, इसमें लिक्विड के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? लिक्विड फेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब सॉल्यूशन का हम लोग बात करते हैं तो सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है या हेट्रो, एक मिक्सचर है ये, ठीक है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का ये मिक्सचर होता है। और ये बताना कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल होगा या हेट्रोजेनियस मिक्सचर का, बोलो होमोजेनियस तो। होमोजेनियस, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, या फिर कंपोनेंट्स बोल सकते हैं हम लोग, हैविंग सेम फेज एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, ठीक है? सेम फेज और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज होता है तो इसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स जो होते हैं ना, ये सॉल्यूशन एक्चुअली मिलके किससे बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पढ़े हो तुम लोग? सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक कंपोनेंट इसका सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है? सॉल्यूशन, हो गया ना? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होगा ये बताओ, किसको हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, बता सकते हो कोई? सर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है सॉल्यूट का कम। हाँ, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्यूट एक्चुअली जो होता है ना वो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, एक्सेस में जो प्रेजेंट होता है, उसको जनरली हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। और जनरली जो सॉल्यूशन का फेज होगा ना, सॉलिड लिक्विड या गैस, जो भी सॉल्यूशन का हमारे सॉल्यूशन का फेज होगा वो डिपेंड किस पे करेगा? सॉल्वेंट के फेज पे डिपेंड करेगा। जनरली देखा गया है कि जो सॉल्वेंट का फेज होगा वही हमारा सॉल्यूशन का भी फेज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से जो भी सॉल्वेंट का फेज होगा सॉल्यूशन का फेज जनरली वही होता है। तो ये दोनों मिलके सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाता है। और यहाँ पे जनरली हम लोग जो सॉल्यूशंस पढ़ेंगे वो बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब हैविंग डेट सॉल्यूशन हैविंग या दो सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है? दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है हमारा और एक सॉल्वेंट होगा। तो इसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मेनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में। तो ये हो गया देखो सॉल्यूशन के बारे में। अब बेसिकली जो है सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमको कुछ कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स का जरूरत पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी तुम लोग क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। मोलैरिटी, मोलैलिटी याद है वो सब फॉर्मूला सबका, मोल कॉन्सेप्ट में जो पढ़े थे बताओ? तो हमको एक बार फिर से फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? सम कंसेंट्रेशन टर्म्स दिख रहा है ना स्क्रीन, एक बार देख लो बताओ। तो हाँ सर बिल्कुल। इसमें सबसे पहला जो है ये मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज तुम लोग पढ़े होगे, वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़े हो, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी कंपाउंड में तुमको मास परसेंटेज निकालना है। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पे तुमसे पूछा जाए कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो क्या बताओगे, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास हो गया, ठीक है, और एन टू क्या कर देंगे हम लोग 100, ये जो परसेंट आएगा यहाँ से हमारा वेट बाय वेट परसेंट है, मतलब सॉल्यूट का भी मास ही ले रहे हैं हम लोग और नीचे सॉल्यूशन का भी मास ही ले रहा है, तो ये हो गया पहला, ठीक है। ये सब पढ़े हो ना मूल कॉन्सेप्ट में? यस सर। ठीक है, एक होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या हुआ? एम बाय वी परसेंट हम लोग इसको बोलते हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एम बाय वी, तो ये आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर जो लिख रहा है हम लोग सॉल्यूट का मास लेना है हमको और नीचे क्या लिखना है, सॉल्यूशन का हम क्या लेंगे बताओ, इस केस में सॉल्यूशन का क्या लोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तुमको डेंसिटी दिया रहेगा सॉल्यूशन का, जिससे हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी और मास पता रहेगा तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं वहां से, तो ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसी तरह तीसरा होता है इसमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें कि दोनों का वॉल्यूम ही लेते हैं हम लोग, वी बाय वी इसको बोलते हैं, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा? ऊपर हम लोग लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दोनों का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या कर दोगे 100%, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन, पढ़े हो ये पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक मिलियन में कितने पार्ट्स होते हैं? 10 to the power क्या होगा बताओ? 6। हाँ, 10 to the power 6 होता है। पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग पीपीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ पार्ट्स, किसी भी कंपोनेंट का कितना पार्ट है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका टोटल नंबर हम लोग ऐड कर देंगे और इनटू क्या कर देंगे हम लोग 10 to the power 6। बात समझ रहे हो? क्योंकि 1 million में कितना होता है, 10 to the power 6 पार्ट्स हो जाएगा ना 1 million में, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 to the power 6 से। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया चौथा। फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, जिसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये एक्स जैसा सिंबल होता है, सुने हो ना ये मोल फ्रैक्शन? अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में हम लोग बात करें तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखना होगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं यानी, और ये जो मोल फ्रैक्शन आया हमारा, मोल फ्रैक्शन किसका है, ये सॉल्यूट का लिखे हैं, यही अगर मोल फ्रैक्शन तुमको सॉल्वेंट का लिखने बोला जाएगा तो ऊपर किसका मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आ जाएगा सॉल्वेंट का और नीचे एन ऑफ सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, पढ़े हो ना ये, याद है? यस सर। चलो, तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अब जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी का मोल फ्रैक्शन का जब सम करोगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा बताओ? 1 के बराबर आएगा ना। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स आएंगे उन सभी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन करोगे, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ
ऑल द कंपोनेंट्स, ये लिख लेना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू वन. ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास दो, एक सॉल्यूशन है ए जिसमें सॉल्यूट है हमारा, और बी जो है हमारा सॉल्वेंट है. ठीक है, दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है हमारा, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाया है. ठीक है, अब इन दो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, इन दोनों कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन का सम करोगे, एक्स ऑफ ए और एक्स ऑफ बी, ये हमेशा किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल. बात समझ रहे हो, बोलो. यस सर. तो इसको लिखते जाओ फटाफट. ये सब तो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े ही होगे ना, याद आ रहा है या नहीं? तो सब भूल गए हो, याद है कुछ? हाँ सर याद है. चलो ठीक, ये हो गया मोल फ्रैक्शन. इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग देख रहे हैं, मोलैरिटी. मोलैरिटी सुने हो कभी? मोलैरिटी बोलो, हाँ या नहीं? यस सर सुने हैं. मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे हम लोग. फॉर्मूला क्या होता था इसका? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये सब बेसिक चीज है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में लेना है हमको. ठीक है, ये हो गया मोलैरिटी. इसी का एक और टर्म था यहाँ पे, नेक्स्ट मोलैलिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते थे. इसका क्या फॉर्मूला होता है बताओ? मोलैलिटी में क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होगा? जल्दी बोलो. हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हेलो. यस सर. यस सर, आ रहा है आवाज? हाँ सर आ रहा है. एक मिनट. हाँ, तो मोलैलिटी का हम फॉर्मूला पूछ रहे थे, बताओ तुम लोग. ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. रिसी होस्ट शिफ्ट कर दो तुम. दिख रहा है अब स्क्रीन? यस सर दिख रहा है. चलो, तो मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, नीचे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन, किसमें लेते हैं सॉल्वेंट का मास? केजी में. केजी. ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना. तो ये सब वही मोल कॉन्सेप्ट वाला ही है सारा, बेसिक सब चीज है. ठीक है, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से करना. तो इसको क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन.
बेंजीन का फॉर्मूला जानते हो ना तुम लोग, C6H6, ठीक है। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय 30% बाय मास ऑफ 30% बाय मास इन लिख लो ऐसे, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं हम लोग CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4। करो तो दिख रहा है सबको क्वेश्चन। हेलो जल्दी से बनाओ। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। बन गया। हेलो बना रहे हो तुम लोग? अरे बताओ किसी से बना। हेलो आदित्य कौशल, हेलो आवाज जा रही है? ऋषि आदित्य, आदित्य कौशल कोई रिस्पॉन्ड? रितिका
हेलो श्रुति। रिश 0.46 0.46। फोर सिक्स कैसे बनाई हो बताओ। बोलो प्रोसेस बताओ। हेलो मोल्स ऑफ बेंजीन एंड कॉल यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या दिया कि 30% बाय मास है। बेंजीन का जो मास है ना परसेंटेज में दिया गया है, मास परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसका 30% मास दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लें 100 ग्राम, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग 100 ग्राम एज्यूम कर रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम एज्यूम कर लें तो इसमें सर, सर मास, स्क्रीन शेयर एक सेकंड, दिख रहा है अब स्क्रीन, सर, आवाज आ रहा है या नहीं ये बताना। यस सर। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम कर ले 100 ग्राम, तो इसमें जो मास ऑफ बेंजीन है हमारा, ये बेंजीन का मास कितना हो जाएगा, 30% होता है ना, 30% ऑफ 100 ग्राम होगा या नहीं। तो 30% ऑफ 100 ग्राम कितना हो गया, बेंजीन का मास हमारा हो गया 30 ग्राम। अब 30 ग्राम अगर बेंजीन का मास हो गया तो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा बताओ। तो मास बाय मोलर मास करते हैं हम लोग, गिवन मास इसका 30 ग्राम है, 30/20 मोलर मास बेंजीन का हो गया 78 होता है, 78 ग्राम, ठीक है। यहां से मोलर मास आ जाएगा हमारा 30, सॉरी मोल्स आ गया 30/78 मोल बेंजीन का आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी तो मोल्स चाहिए होगा, होगा या नहीं। तो मास ऑफ CCl4 कितना आएगा, जो हमारा सॉल्वेंट है उसका मास कितना हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन का मास 100, 150 130, 54 सर, नहीं 17 नहीं मास पूछ रहा है ना। अगर 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन का मास है, उसमें 30 ग्राम तो सॉल्यूट है, अच्छा सर, तो ओके सर, सॉल्वेंट हमारा मास कितना हो जाएगा, 70 ग्राम, ठीक है। और इसका मोल्स ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा, तो मोल्स ऑफ CCl4 आ गया 70 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास निकालना है, तो CCl4 का मोलर मास कितना होगा, 154 हाँ क्लोरीन का होता है 35.5 × 4, और प्लस कार्बन का कितना होगा 12, ऐड 12 करो कि हाँ ऐड करो कितना आ रहा154 है 100 54 54 यही आ रहा है सबका। यस सर, बोलो जल्दी। चलो यस सर, 154 से इसको डिवाइड कर दो, तो 154 ग्राम, तो इससे डिवाइड करोगे तो ये इसका मोल्स हो गया 70/154। अब मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल लोगे, तुमको मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पूछा गया है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन ऑफ बेंजीन और प्लस एन ऑफ CCl4, कर लोगे अब, हाँ या नहीं। हाँ सर, चलो तो ये हो गया हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस। और भी तुम लोग एनसीईआरटी में देखोगे ना, जैसे ही एनसीईआरटी ओपन करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको दिखेंगे, तुम लोग का होमवर्क रहेगा इसमें
एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, एग्जाम्पलर और इनटेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो है, वो सब तुम लोग को बनाना है ये शुरुआत का टॉपिक का, ठीक है, जो मूल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट का है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स प्लस इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच में दिया हुआ रहता है, ये सारा मूल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से जितने भी क्वेश्चंस तुमको दिखेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर ओपन करोगे वो पहले या दूसरे पेज में ही तुमको दिख जाएगा वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो सब सॉल्व कर लेना है तुम लोगों को, समझ आ रहा है बात? यस सर। प्रैक्टिस कर लोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लेना। चलो तो अब हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा तो जस्ट बेसिक था जो 11th में भी पढ़े थे तुम लोग। तो सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, यहाँ पे लिक्विड का तीन टाइप का मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे। एक पहला पढ़ेंगे हम लोग गैस, गैस और लिक्विड का मिक्सचर, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है। तो ये तीनों टाइप को हम लोग डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला टाइप जो हम लोग इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। स्क्रीन दिख रहा है अभी? बोलो। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल लेना सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो कोई भी गैस का अगर हम लोग लिक्विड में सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो थोड़ा ना थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा। ऑल गैसेस, ये स्टेटमेंट लिख लेना, ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन ऑल लिक्विड्स टू सम एक्सटेंट, थोड़ा बहुत तक सारा गैसेस जो है वो हर एक लिक्विड में सॉल्युबल होता है टू सम एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन प्रेशर। प्रेशर पे डिपेंडेंस होता है, ठीक है। तो वो सिर्फ कितना सॉल्युबल होगा वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे। कोई भी गैस जो है किसी भी लिक्विड में कितने एक्सटेंट तक सॉल्युबल होगा वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को इम्पैक्ट करता है, वो सारा चीज हम लोग देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर होगा? सबसे पहला जो फैक्टर होता है ना, ये नेचर ऑफ द गैस होता है। नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगा। कैसे? तो नेचर ऑफ द गैस में देखा गया है कि वैसे गैस जो इजिली लिक्विफाई करते हैं, ठीक है, बहुत सारे गैसेस जो है जो कि आसानी से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, तो वैसे गैसेस का जो सॉल्युबिलिटी होगा ना लिक्विड में वो ज्यादा होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इजिली लिक्विफेबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल, ठीक है, ज्यादा सॉल्युबल होंगे। फॉर एग्जांपल इजिली लिक्विफेबल गैसेस में आ जाएगा CO2, SO2, अमोनिया गैस NH3, ये सारे गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं। और जो गैस आसानी से लिक्विफाई होगा उनका सॉल्युबिलिटी भी जो होगा वो ज्यादा होगा किसी भी लिक्विड में। या फिर इसमें एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं कि द गैसेस विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सम अदर types of attractions with the solvent molecules have higher solubility। समझ में आया बात? तो ऐसा गैस जो कि किसी भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप का एक कुछ स्पेशल इंटरेक्शन कर रहा हो या फिर उसके अलावा कोई और दूसरा इंटरेक्शन, या डाइपोल डाइपोल हो गया, आयन डाइपोल हो गया, इस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा हो, तो उन सभी गैसेस का भी सॉल्युबिलिटी जो होगा वो
लिक्विड में ज्यादा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ गैसेस का हम लोग वाटर में सॉलिबिलिटी अगर चेक करें तो अमोनिया गैस इन वाटर या फिर एचएफ गैस इन वाटर, ठीक है, या फिर एचसीएल गैस इन वाटर. तो इन सभी गैसेस में देखोगे ना, ये सारे गैसेस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है. क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि ये सभी गैसेस जो है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एच बॉन्डिंग कर सकते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल है और वाटर का मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरैक्शन जो होता है अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उस गैस का सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो ये सभी गैसेस पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. बात समझ में आ रहा है? हेलो. यस सर. तो पहला जो फैक्टर होता है ये नेचर ऑफ द गैस होता है, कि गैस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि उस गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा लिक्विड में, ठीक है. तो फर्स्ट फैक्टर ये होता है नेचर ऑफ द गैस, लिख लिया इसको. यस सर. चलो मूविंग ऑन सेकंड फैक्टर. तो सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर कैसे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ेगा या घटेगा बताओ. अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बता सकते हो कोई? हेलो. इंक्रीज करना चाहिए. इंक्रीज करना चाहिए नहीं. तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस का सॉल्युबिलिटी है ना लिक्विड में वो घट जाएगा. इसका रीजन ये होता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गैप क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा बताओ. टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में गैप क्या होगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा. और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में अगर गैप बढ़ गया तो जो ऑलरेडी वहां पे डिसॉल्व्ड गैस था, जो कि उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो ट्रैप्ड था ना वो गैस मॉलिक्यूल, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे ही लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में गैप बढ़ा तो वो ट्रैप्ड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एस्केप कर जाएगा. और एस्केप अगर कर गया, गैस बाहर अगर निकल गया, तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा उस लिक्विड में, कम हो जाएगा ना. कम हो जाएगा. इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसी भी लिक्विड में वो डिक्रीज कर जाता है. समझ आ गया बात? यस सर. तो सेकंड फैक्टर हो गया टेम्परेचर. थर्ड फैक्टर इज प्रेशर. तो प्रेशर हम लोग बोलते हैं प्रेशर affects the solubility of gases up to large extent. ठीक है, प्रेशर जो है लार्ज एक्सटेंट तक सॉलिबिलिटी ऑफ गैस का इफेक्ट करता है. और ये इफेक्ट जानने के लिए हम लोग एक स्पेशल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, जिसको हेनरीज लॉ हम लोग बोलते हैं. द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हेनरीज लॉ. ठीक है, इसको हम लोग हेनरीज लॉ से एक्सप्लेन करते हैं. ये देखते हैं हेनरीज लॉ क्या है. ठीक है, इसको लिख लो पहले यहां तक तुम लोग. ये तीन फैक्टर होते हैं जो कि
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पे अफेक्ट करते हैं, पहला नेचर ऑफ द गैस, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। हो गया? लिख चुके हो? हो गया सर, हो गया। चलो अब हम लोग हेनरीज लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेनरीज लॉ में क्या है ना, पहले स्टेटमेंट लिखो इसका। तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना। ये बोला गया है किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन है ना लिक्विड में, लिक्विड सॉल्यूशन में उस गैस का जितना मोल फ्रैक्शन होगा उस मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग इसको मैथमेटिकली ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग के एच से डिनोट करते हैं, और ये इनटू एक्स, ये एक्स डिनोट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। और ये के एच जो है यहाँ पे, ये के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट जो ये लॉ दिया है उसी के नेम के ऊपर है, हेनरीज का। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ आ रहा है बात? हेलो, यस सर। तो ये हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, लिख लिया? यस सर। चलो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जब हम लोग प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ये ध्यान देना, टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे ना तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो हेनरीज कांस्टेंट है के एच ये भी बढ़ता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे तो हेनरीज कांस्टेंट के एच बढ़ेगा, और के एच बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है ना लिक्विड में या सॉल्यूशन में वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर डिक्रीज कर गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा या घटेगा, बताओ, बोलो। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अगर घट गया किसी लिक्विड में तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज कर जाएगा ना। हेलो, आवाज आ रहा है? यस सर।
तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके लिखना, हायर द वैल्यू ऑफ के एच, के एच का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, लेसर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, लेसर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑफ अ गैस. ठीक है, केएच का वैल्यू जितना ज्यादा हाई होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या है लिक्विड में, उतना कम होगा. बात समझ आया? यस सर. लिख रहे हो ना तुम लोग साथ साथ? यस सर. आदित्य, आदित्य कौशल, क्लास कर रहा है ये बंदा. निभा. यस सर. रितिका. यस सर. लिख रही हो? यस सर. श्रुति. यस सर. चलो यहां तक हो गया सबका? हेनरीज लॉ लिख चुके हो? यस सर. चलो अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि केएच का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सारा चीज हम लोग देख लेते हैं. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच, हेनरीज कांस्टेंट. ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, यूनिट ऑफ केएच is equal to that of pressure. तो जो प्रेशर का यूनिट होगा ना KH का, वही यूनिट होगा, क्योंकि KH into मोल फ्रैक्शन होता है प्रेशर के बराबर. तो मोल फ्रैक्शन का तो कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए KH का जो यूनिट होगा वही, that unit will be equal to pressure का जो यूनिट होगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है, डिफरेंट गैसेस have different value of KH in a given liquid. तो same liquid में अगर gas change करते जा रहे हैं हम लोग, तो KH का value भी क्या होते जाएगा, वो change होते जाएगा. ठीक है, ये second point है. Third point, same gas has different value of KH in different liquid. ठीक है, मतलब अगर गैस हम लोग सेम रखें और लिक्विड भी अगर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, KH का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, वो चेंज करेगा. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ये तीसरा पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट है, if a mixture of gases is brought in contact with the given liquid, किसी एक liquid के साथ दो या दो से ज्यादा gases, mixture of gases अगर उसमें solubility कराया जा रहा है, then the solubility of each gas is proportional to its partial pressure. ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, that is कि अलग अलग gases के लिए हम लोग individual gases के लिए Henry's law apply कर सकते हैं. अगर मान लो मिक्सचर ऑफ गैसेस अवेलेबल है, दो या दो से ज्यादा गैसेस अगर अवेलेबल है सेम लिक्विड के लिए, तो हम लोग हर एक इंडिविजुअल गैस के लिए हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेनरीज लॉ इज
एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल गैसेस. ठीक है, तो इंडिविजुअल गैसेस के लिए हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ मिक्सचर्स. ये सारा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हेनरीज लॉ का, जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है. जस्ट सेम जैसे तुम लोग गैसीय स्टेट में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़े थे, याद है या नहीं? बताया गया था ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गैसीय स्टेट में, पढ़े थे? हेलो. यस सर. तो उसी तरह यहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे वहां पे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ते थे, यहाँ पे हेनरीज लॉ हेनरीज लॉ है. तो बिल्कुल सिमिलैरिटी है दोनों में, एक जैसा ही है. इसके कुछ कुछ लिख लियो ये चारों पॉइंट. यस सर. इसके कुछ कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कहाँ कहाँ मतलब हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. तो लिमिटेशंस क्या क्या है? पहला कि हेनरीज लॉ में जो गैस लिया है ना वो लिक्विड के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए. गैस शुड नॉट पार्टिसिपेट विथ लिक्विड इन ए केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन लिक्विड और गैस के बीच में नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो फिर हम लोग हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, दूसरा लिमिटेशन ये है कि प्रेशर ऑफ द गैस शुड नॉट बी वेरी हाई, शुड नॉट बी वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए. और तीसरा जो है टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो. ठीक है, गैस का टेम्परेचर भी जो है बहुत ज्यादा लो नहीं हो सकता. तो ये सारे कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं हेनरीज लॉ के रिगार्डिंग. पहला है कि केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए गैस और लिक्विड के बीच में. दूसरा, प्रेशर जो है गैस का बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए. तीसरा, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए. क्योंकि ये सारा कंडीशन अगर नहीं होगा तो फिर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, लिख लियो. यस सर. तो ये सारा हेनरीज लॉ से रिलेटेड था. अब इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं हेनरीज लॉ से. ठीक है, तो उससे पहले एक और छोटा सा चीज है, एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी होता है हेनरीज लॉ का. दूसरे तरीके से भी हेनरीज लॉ को डिफाइन किया गया, तो वो भी लिख ही लो. अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ. ठीक है, तो ये मास के टर्म में एक्सप्लेन किया गया है. क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, कि कोई भी गैस का कितना मास डिसॉल्व होगा किसी भी लिक्विड में वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा? प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकली इसको बोल सकते हैं कि मास ऑफ गैस कितना डिसॉल्व होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास ऑफ द गैस का एम से अगर डिनोट करें हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा के एच और इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, या प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये मास के टर्म में, दूसरा ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन, पहला हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्लेन किए थे, दूसरा मास के टर्म में। तो यहाँ भी के एच जो है वो हेनरीज कॉन्स्टेंट ही है, हेनरीज कॉन्स्टेंट। ठीक है, लिख लो इसको। अब इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। हो गया, बोलो। यस सर, यस सर। चलो अब देखो, इससे हेनरीज लॉस है, हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म इसका देख चुके हैं, अब इसमें न्यूमेरिकल्स देखो किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वन, एट 2 atm प्रेशर मास ऑफ CO2 dissolved in water is 4 × 10⁻³ ग्राम। पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 dissolved in water at 1 atm प्रेशर इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। करो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बन गया, यस और नो? हेलो, बनाए आदित्य? ये तो क्लास ही नहीं कर रहा है। ऋषि, नहीं बना? अरे अभी तो बताया यार, कोई भी गैस का मास जो है कितना डिसॉल्व होगा किसी भी लिक्विड में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, लिखे तो है, नहीं लिखे हैं? किसी भी गैस का मास जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं? यस सर। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग लिख सकते हैं M1 by P1 is equal to M2 by P2 लिख सकते हैं यानी, ये बताओ। yes, sir. तो P1 P2 दिया है, M1 दिया हुआ है, M2 नहीं निकाल सकते हो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो? कर सकते yes, हो कैलकुलेट। तो फिर क्या है इसमें, इसमें करना कुछ है जो यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा तुमको? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर हम लोग हाफ कर दिए हैं, तो प्रेशर हाफ कर दिया है तो मास भी क्या हो जाएगा? अरे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो प्रेशर हाफ करने से मास क्या होगा? वो भी तो हाफ हो जाएगा ना। हाफ भी हाफ हो जाएगा। यस सर। तो मास ऑफ गैस डिसॉल्व कितना हो जाएगा? M2 का वैल्यू कितना आ गया? 2 × 10⁻³ ग्राम। यही हो गया आंसर हमारा। समझ आया बात? ये तो सिंपल सा चीज था ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बनाना है। KH दिया हुआ है फॉर O2 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसके लिए KH दिया गया है इज 4.34 × 10⁴ atm, ठीक है, एट 25°C। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस इन एयर इज 0.4 atm, तो पूछा गया है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन निकालना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब मोल्स पर लीटर, मोल पर लीटर के फॉर्म में हमको निकालना है ऑफ द डिसॉल्व्ड O2 इन वाटर। इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट 25°C, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, KH दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन गैस का दे दिया है एयर में कितना है, तुमको निकालना है कि ऑक्सीजन गैस जो वाटर में डिसॉल्व्ड है उस ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन कितना है। वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस जो है उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस का कंसंट्रेशन क्या है मोल्स पर लीटर में तुमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। चलो ट्राई करो, तो 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ट्राई करो जल्दी।
बनेगा तुम लोगों से। हेलो हेलो, बना रहे हो तुम लोग? यस सर, ऋषि बना रहे। बन रहा है यानी, या बताना है मेरे को? हेलो बताने का जरूरत है क्या, या बन जाएगा? क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो इधर दिख रहा है या नहीं, बताओ। यस सर, यस सर। क्वेश्चन क्या है, तुम लोग को फॉर्मूला बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल यस, फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हमको O2 का दिया गया, एयर में कितना है, ये 0.4 atm दिया गया है ना। के एच भी गिवन है, 4.34 × 10⁴, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस यहाँ से हमको निकल जाएगा, मतलब O2 का जो मोल फ्रैक्शन है वाटर में कितना होगा, ये यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.4 / 4.34 × 10⁴, इसको डिवाइड करोगे ये कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली देखो ये आ जाएगा नियरली 9.2 × 10⁻⁶ के आसपास आएगा। ठीक है, ये देख रहे हो कितना कम है मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, दिख रहा है या नहीं? यस सर, -10⁻⁶ है, तो इसका मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है, तो वाटर हमारा जो सॉल्वेंट है उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो O2 है, जो सॉल्यूट है यहाँ पे, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट जो O2 गैस है यहाँ पे, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमको ये एक्चुअली क्या आ गया, हमको मोल फ्रैक्शन O2 का तो आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में कंसेंट्रेशन पूछा गया है कि ऑक्सीजन गैस का कंसेंट्रेशन कितना होगा। तो कंसेंट्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1 liter। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, 1 liter। 1 liter का मतलब क्या हुआ, 1000 ml होगा। यस सर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर 1 liter एज्यूम किया, और यहाँ पे एक और चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है वो जो है सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अगर बहुत ही कम अमाउंट में वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 liter हो जाएगा। पूरा पूरा तो वाटर ही होगा ना, अगर ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो पूरा पूरा क्या होगा, हमारा वाटर ही होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट जो है H2O होगा या नहीं, बताओ। यस सर, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का डेंसिटी तो तुम लोग को पता ही होगा कितना होता है, 1 g/ml, हाँ या नहीं? तो वाटर का वॉल्यूम तुमको पता है, डेंसिटी पता है, मास ऑफ वाटर नहीं निकाल पाओगे यहाँ से कि 1 liter में वाटर का मास कितना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1000 g आएगा। तो 1000 g तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं क्या? हम 1000 g डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसका मोलर मास, यस और नो? यस सर, कितना आ गया बताओ,
55.55 ये मोल हो गया, तो मोल ऑफ वाटर ये आया जो कि सॉल्वेंट था हमारा। अब एक्चुअली यहाँ पे ध्यान दो, जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं ऊपर में वो क्या कैलकुलेट किए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू कम कैलकुलेट किए हैं, हाँ या नहीं? हाँ सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू कितना है, 9.2 × 10⁻⁶, 9.2 × 10⁻⁶, ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो तो मोल्स ऑफ ओ टू डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ओ टू प्लस मोल्स ऑफ एच टू ओ, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 9.2 × 10⁻⁶, बोलो हाँ या नहीं? यस सर। अब एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाटर का मोल्स हमको पता है 55.55 मोल्स, तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू जो है ना ये एच टू ओ के रेस्पेक्ट में क्या होगा, बहुत ही कम होगा, होगा? यस सर। तो इसका मतलब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ओ इनको नियरली किसके इक्वल मान ले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ओ का इक्वल मान ले, क्योंकि उसमें ओ टू का एड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू, नीचे सिर्फ आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ओ, और ये इक्वल टू क्या आ गया, 9.2 × 10⁻⁶, ठीक है। तो यहां से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू ओ तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, कितना है 55.5 है ना, यस, और इंटू 9.2 × 10⁻⁶, यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू आ जाएगा क्या हमारा, मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, देखो कितना आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं × 10⁻⁴, यही आ रहा है, देखो तो। यस सर। चलो तो ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू आया अभी, एक्चुअली हमको निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू निकालना है मोल्स पर लीटर में, या मोलारिटी ऑफ ओ टू निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओ टू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यही तो होगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ टू हमारा आ चुका है 5.11 × 10⁻⁴ मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कितना एज्यूम किए थे, 1 लीटर, तो नीचे 1 लीटर ही आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5.11 × 10⁻⁴, यही मोलारिटी, यही हो गया ना आंसर, जो मोल्स आया था वही कंसंट्रेशन हो गया, यस और नो? यस सर। तो यही है हमारा फाइनल आंसर, समझ में आया? यहाँ अप्रोक्सीमेशन का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि ऑलरेडी जब हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किए ना, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू देख रहे हैं ओ टू का बहुत ही कम है, इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर के रेस्पेक्ट में जो ओ टू प्रेजेंट होगा वो बहुत ही कम होगा, ओ टू का मोल्स अगर वाटर में ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे हेनरीज लॉ से, तो एनसीईआरटी में जो भी तुमको यहाँ तक तुम लोग प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में देखोगे मोल कॉन्सेप्ट का जो शुरुआत का टॉपिक का क्वेश्चंस है वो सारा तो करना ही है, उसके बाद हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेना एनसीईआरटी से, और लास्ट में देखोगे हेनरीज लॉ जहाँ पे डिस्कस किया है वहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस मिलेगा तुमको हेनरीज लॉ का,
ठीक है, कि कहाँ कहाँ हेनरीज लॉ को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जाता है, तो वो सारा चीज भी एक बार पढ़ लेना तुम लोग, समझ रहे हो या नहीं? यस सर। यस तो एक बार उसको रीडिंग मार लेना एनसीईआरटी से, तो इतना तुम लोग कंप्लीट करके रखना, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग तो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर ही लेना आज, ठीक है? जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे, अगर नहीं बनेगा तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। आज जितना बताया इसमें कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट है, कुछ पूछना है? सर हेनरी लॉ का कैलकुलेशन काफी बड़ा नहीं है? बड़ा है मतलब यहाँ पे देखो, ये जब नीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे डेटा ऐसा देगा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है, मतलब आसानी से कटने वाला। लेकिन बोर्ड्स में तुम्हारे क्वेश्चंस जो आएंगे या फिर एनसीईआरटी में जिस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन नीट में अगर नीट के क्वेश्चंस देखोगे तो वहां पे वैल्यूज आसान मिलेगा तुमको, ठीक है, वहां पे आसानी से कट जाएगा। लेकिन बोर्ड में थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लेके भी करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब एकदम सोचोगे कि 1+1 वाला वैल्यूज मिले हमको या 4/2 वाला मिले, तो वो थोड़ी मिल सकता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो डेसिमल आएगा ही ना, समझ रहे हो बात? यस। तो उतना तो थोड़ा बहुत मैथ्स हैंडल करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे नीट में, लेकिन इस टाइप के वैल्यूज नहीं मिलेंगे नीट के क्वेश्चंस में, तुमको आसान आसान वैल्यूज रहेगा, ठीक है? चलो और कुछ पूछना है आज? नहीं, चलो फिर तो उतना करके रखो तुम लोग, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो एंड कर रहे हैं फिर, आगे नेक्स्ट।